डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली एक वर्कशीट का अध्ययन करेंगे जो कि 14 जुलाई 2021 को आई हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट की है जो कि चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको हम सॉल्व करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द एज ऑफ मार्गी, यानी मार्गी है वो इस चैप्टर में एक गर्ल है और उसकी आयु पूछिए। तो हम यहां पर लिखेंगे द एज ऑफ मार्गी, द एज ऑफ मार्गी वॉज 11 ईयर्स। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, मार्गी वॉज ए 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल। यानी आप जो चाहे इन दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। व्हाट वॉज द एज ऑफ मार्गी, यानी मार्गी की आयु क्या थी, तो मार्गी की आयु 11 वर्ष की थी। द एज ऑफ मार्गी वॉज 11 ईयर, या मार्गी वॉज ए 11 ईयर ओल्ड गर्ल। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज द राउंड एंड लिटिल मैन, यानी एक गोल मटोल और छोटा व्यक्ति कौन था। तो इस चैप्टर में एक छोटा व्यक्ति था या गोलमटोल व्यक्ति था जो कि ये काउंटी इंस्पेक्टर था जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आया हुआ था। तो यहां पर हम हु की जगह लिखेंगे काउंटी इंस्पेक्टर वाज द राउंड लिटिल मैन, यानी काउंटी इंस्पेक्टर था वो गोल मटोल और छोटा व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट मार्गी और राइट फर्स्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में रोट, मार्गी रोट। अब उसने क्या लिखा, तो अब इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक इन हर डायरी। यानी मार्गी ने क्या लिखा कि आज टॉमी ने एक वास्तविक बुक को पाया, यानी टॉमी को एक वास्तविक प्रकार की बुक उसको मिली, क्योंकि मार्गी और टॉमी अब तक केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही किताबें पढ़ते थे, उन्होंने इस प्रकार की कोई वास्तविक पुस्तक नहीं देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक ए टेक्स्ट बुक इज, यानी आप क्या सोचते हैं कि एक टेक्स्ट बुक क्या होती है। तो आंसर ए टेक्स्ट बुक इज ए बुक on which all stories are printed on paper. The pages of book are टर्न, यानी एक टेक्स्ट बुक वो टेक्स्ट बुक यानी एक प्रकार की पुस्तक होती है जिस पर सभी कहानियां या सभी चीजें आर प्रिंटेड छपी होती है ऑन पेपर कागज पर। द पेजेज ऑफ बुक्स आर टर्न, और किताब के पेजेज को टर्न यानी पलटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, यानी मार्गी और टॉमी कौन कौन से विषय सीखते हैं। मार्गी और टॉमी दोनों करेक्टर है इस चैप्टर के, मार्गी एंड टॉमी, मार्गी एंड टॉमी लर्नड, अब कौन कौन से सब्जेक्ट सीखते हैं। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट का नाम लिखना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड
अर्थमेटिक, यानी टॉमी और मार्गी है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक जैसे विषय सीखती है। तो डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 14 जुलाई 2021 में आई हुई क्लास 9 की इंग्लिश की एक वर्कशीट का अध्ययन किया। डी स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।